दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसमें आप पुराना प्रोडक्ट बेच करके महीने का बहुत ही आसानी से 50 से 60,000 रुपये बहुत ही आसानी से आप घर बैठे कमा सकते हो। इसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, इसमें आपको कोई दुकान भी नहीं खोलना है, इसमें आपको पूंजी बहुत कम लगाना होगा, इसमें कोई आदमी पढ़ा लिखा है किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं चाहिए। इसमें आप एक छोटा सा बिजनेस करना होगा, छोटे से बिजनेस से ही आपको पुराना माल बेचना होगा, पुराना माल ही खरीदना होगा और पुराने माल को ही बेचना होगा, क्योंकि जब नया माल बेचना होगा तब जाकर के लाइसेंस की जरूरत होगी, इसमें भी लाइसेंस की जरूरत होगी। लेकिन पहले आप विदाउट लाइसेंस आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और इससे जब अच्छा खासा आपका अर्निंग होने लगेगा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तब जाकर के आपको यहां पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप बहुत कम पूंजी में आप जो है कि पार्ट टाइम एक तरह से काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। दो तरह का बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूं, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए तो दिन भर लोगों के माइंड में बहुत सारा आइडिया आता होगा, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज भी देखते होंगे कि मैं ये बिजनेस कर लूंगा चाहे वो बिजनेस कर लूंगा। होता क्या है कि वीडियो देख करके छोड़ देते हैं, वहां पर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस करूं तो कौन सा बिजनेस करूं। यहां पर आपको कोई प्रोडक्ट घूम घूम करके नहीं बेचना है, यहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा, यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने वाला है। इसमें पूंजी की बात किया जाए तो आपको मिनिमम आपको 20,000 रुपए रख करके आपको यहां पर चलना होगा। आपको कोई प्रोडक्ट लेकर के घूम करके नहीं बेचना है, यहां पर आपको डील करना होगा। कैसे? देखिए, यहां पर सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपको रखना है दो आदमी। आप अपने घर पे ही घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, आपको रखना होगा दो आदमी। ठीक, दो आदमी रखिए, उसके बाद उन दोनों आदमी से आपको करना क्या है कि आपके एरिया में जितने भी पुरानी बैटरी होती हैं उन सभी बैटरी को जो है कि वहाँ से एक उचित रेट पर आपको खरीदवाना है। ठीक ना, जैसे देख लीजिए बैटरी आज के डेट में अगर रेट देखेंगे 120 रुपया या फिर 125 रुपये पर उन्हें रिसाइकिल जहाँ पर होता है वहाँ पर लोग देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पुरानी बैटरी जो मिलती है घरों से या फिर हॉस्पिटल से, दुकान से या फिर किसी भी स्कूल से जो निकलता है ना पुरानी खराब बैटरी, यहाँ पर लोग 80 से 90 से 100 रुपये में प्रति किलो के हिसाब से लोग जो कि उसे दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसी का बिजनेस करना होगा। आपको दो आदमी रखना है और दिन भर किसी भी तरह से उन्हें घूम करके आपको एक टारगेट देना है कि कम से कम आप 5 बैटरी या फिर 4 बैटरी लेकर के आइए। देखिए, अगर आप कोई बाइक का बैटरी लेते हो तो 1 से 1.5 kg का बाइक का बैटरी होता है, और वहीं कहीं कहीं 2 kg का भी होता है। और वहीं पर देखा जाए अगर आप किसी 4-व्हीलर का बैटरी लेते हो, किसी कार का बैटरी लेते हो, तो 10 से 12 kg का मिल जाएगा आपको। ठीक, अगर वहीं पर किसी इन्वर्टर का बैटरी लेते हो तो कहीं कहीं 50-50 kg का भी होता है। तो अगर बड़ी बैटरी इन्वर्टर का एक बैटरी अगर आपका मिल जाता है, अगर 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही मिल जाता है ना, तो एक बैटरी आप लेने पर 50 kg का है तो यहाँ पर आपका बहुत ईजली उससे प्रॉफिट देखा जाए तो 1 kg पर अगर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों 50 kg बेचने पर आप जोड़ लीजिए कि बहुत ही ईजली यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का बिजनेस जिसमें मात्र एक प्रोडक्ट अगर आप खरीद करके उसे पुनः बेच देते हो तो यहाँ पर 1,000 रुपये की तैयारी हो जाती है। अगर दो आदमी आप रखे हो, किसी भी तरह से दोनों मिल करके 1 क्विंटल अगर बैटरी लेकर के आते हैं पुरानी बैटरी, तो वहाँ पर आपका बहुत ही इजली 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 500-500 रुपये दोनों लोगों को देते हो तब भी यहाँ पर आपका यहाँ पर पता है 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब ये मत सोचिए कि जो आदमी रखेंगे वही क्यों ना ये बिजनेस को कर ले। देखिए, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जो है कि अनपढ़ लोग पड़े हुए हैं जिन्हें कोई बिजनेस की जानकारी नहीं है। जब आप उन्हें रास्ता दिखाएंगे तब जाकर के वे लोग बिजनेस करेंगे। तो आप किसी ऐसे आदमी को पकड़िए जो कि निठल्ला घर पर बैठा रहता है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इस तरह के दो आदमी ढूंढ लीजिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उसके बाद उन सभी आदमी को पकड़ करके आप काम करवा सकते हो और वहां से आप अच्छा खासा पैसा जो है रिकवर कर सकते हो। देखिए, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बैटरी इकट्ठा कर लीजिए। बैटरी इकट्ठा करने के बाद उसे एक ही बार में रिसाइकल पर आप अगर सेल करते हो, जहां पर रिसाइकलिंग होता है, अगर वहां पर सेल करते हो तो वहां से अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बनने वाला है। देखिए, एक बार बिजनेस स्टार्ट करिए, उसके बाद देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। देखिए, बहुत सारे लोग देखेंगे तो बाइक पे माइक लगा करके बैटरी इन्वर्टर या फिर बहुत सारा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट खरीदते हैं जहां पर प्रॉफिट अच्छा होता है, तभी तो बाइक से घूम करके यहां पर खरीदते हैं। पेट्रोल का खर्चा भी लगता है, फिर भी लोग ये बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों आप देखते होंगे लेकिन आपको आइडिया नहीं लगता होगा कि ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे। तो आप लोग एक बार इस बिजनेस को स्टार्ट करके देखिए, 100% यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सेकेंड बिजनेस है, आप कबाड़ का बिजनेस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने खुद कबाड़ का बिजनेस करिए, यहां पर आप जो है कि लेबर रख करके कबाड़ का बिजनेस करवा सकते हो, या फिर लेबर नहीं रखते हो तो दोस्तों यहां पर जितने भी कबाड़ी है कबाड़ी से संपर्क कर लीजिए और आपको बड़ी बड़ी मात्रा में सभी लोगों से कबाड़ को खरीदना होगा और एक वेयर हाउस की तरह से एक गोडाउन बनाना होगा, सभी कबाड़ को अपने गोडाउन में रखना होगा और जब ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उसे एक ही बार में सेल करना होगा। देखिए यहां पर आपको इसे करने के लिए थोड़ा मोटा रकम की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितने भी कबाड़ी होंगे आपके एरिया में, जब सभी कबाड़ी आपके वहां प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, पुराना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, बेचेंगे, तो तुरंत उनको आपको जो है कि पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट करेंगे तभी जाकर के वे लोग आपके पास लेकर के आएंगे और उन्हें उचित रेट आपको देना होगा। शुरू शुरू में आप थोड़ा कम ही प्रॉफिट करेंगे, लेकिन जब आपके यहां माल ज्यादा आने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अच्छा खासा होने लगेगा। देखिए इस तरह के बिजनेस में आपको ज्यादा पूंजी नहीं लगाना होता है। जो मैंने पहला बताया है आइडिया बैटरी वाला बिजनेस, अगर उसमें करते हो तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस में जो है कि पूंजी नहीं लगाना होगा, लेकिन पूंजी भी लगेगा तो दोस्तों आपको कहीं नुकसान नहीं होने वाला है, तुरंत आपका जो है कि पैसा निकल जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है इसमें कि प्रोडक्ट ला करके रख दिए, बिक नहीं रहा, एक्सपायरी हो जाएगा, इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो 100% यहां से आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने वाला है। दोस्तों एक बार ट्राई करिए, शुरू तो करिए, थोड़ा छोटा लेवल से शुरू करिए, लेकिन शुरू करके तो देखिए यहां पर प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। दोस्तों नहीं 20 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, 10 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, तब भी यहां से दोस्तों आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप अपने एरिया के 20 किलोमीटर के रेंज में घूम करके देख लीजिए। दोस्तों बैटरी नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको बैटरी नहीं मिलेगा तो कम से कम कबाड़ तो मिलेगा। कबाड़ में क्या, लोहा का बिजनेस कर सकते हो, गत्ते पुराने गत्ते का, पेपर का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी कबाड़ मिलता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सबका बिजनेस आप करके अच्छा खासा यहां से कमाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों कबाड़ का बिजनेस देखने में, कहने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लोग सोचेंगे कि कबाड़ का बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको भर भर के होता है। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद आपको यहां से पता चल जाएगा कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। आप अपने एरिया में देख लीजिए, जितने भी कबाड़ी होंगे थोड़ा बड़ा लेवल पर, उनको जो है कि देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ एक कितना पैसा अर्निंग करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।